सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर जिसमें कुछ केमिस्ट्री की बातों का भी इन्वॉल्वमेंट है। केमिस्ट्री में कहलाती है ग्राउंड स्टेट, 1s2, 2s2, 2p2। लेकिन एक कहलाती है एक्साइटेड स्टेट, जिसमें 1s2 तो होता है कार्बन की बात कर रहे हैं, 2s1, फिर 2px1, 2py1 और 2pz, यानी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है। केमिस्ट्री में आप ये समझते हैं कि सबसे जो ऊपर बैंड है वो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से ऊपर कोई नहीं है। जबकि फिजिक्स में इसको बहुत डेप्थ में जब देखते हैं, घूर के देखते हैं, तो पता चलता है वैलेंस बैंड से ऊपर भी होता है जो कि कहलाता है कंडक्शन बैंड। ये अलहदा बात है कि वैलेंस बैंड जो है, ठीक है, या तो ये फुलफिल होगा या पार्शियली फिल होगा। एल्फास वॉर से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा ही सेटलमेंट ट्रिक्स काम है। या तो फुलफिल होगा या पार्शियली फिल होगा, और ये जो कंडक्शन बैंड है ये या तो एम्प्टी होगा, क्या होगा, एम्प्टी या पार्शियली फिल होगा, या तो एम्प्टी होगा या पार्शियली फिल होगा। कंडक्शन बैंड फुलफिल नहीं होगा, वैलेंस बैंड कभी एम्प्टी नहीं होगा। अब अगर ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बिल्कुल मिले हैं, जैसे कि दोनों बोर्ड मिले हैं, तो ये गैप ही नहीं, तो ये चीज़ कहलाती है कंडक्टर। कंडक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली पास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ईजिली पास। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही धास होता है, ठीक है जी। इसके बाद एक कहलाते हैं सेमी कंडक्टर। कौन से कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, चाहे थोड़ा सा नैरो गैप होता है। नैरो गैप बोले तो जिसको पार करना इतना मुश्किल काम नहीं होता, या कंडक्शन बैंड है या वैलेंस बैंड है, ठीक है मेरे, ये तो माध्यम से थोड़ा सा गैप है, ख़त्म किया जा सकता है, जब मार के चल सकता है। तो मेरे भाई ये हो गया सेमी कंडक्टर। बड़ी हम बात के कंडक्टर बेसिकली होते हैं मेटल्स। क्या होते हैं, मेटल्स। और सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो सेमी मेटल्स, और उनमें भी जो दो बड़े इम्पोर्टेंट हैं हमारे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और मेरे भाई अब इसके बाद एक चीज़ कहलाती है इंसुलेटर। यहाँ कंडक्टर है, यहाँ वैलेंस बॉन्ड है, समझो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे, और इतना बड़ा गैप जिसको हम कहते हैं फॉर ब्रिटेन गैप, भुला दो बुलाने वाला गैप, नहीं यार ये पानी नहीं हो सकता। तमिल फिल्मों का हीरो तो जम लगा देगा, इतनी लंबी नॉर्थ पोल से साउथ पोल रखना नहीं लग सकता। तो ये कहलाता है इंसुलेटर। रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, करंट पास नहीं होता वैसे, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसका लगभग कंडक्टर में से करंट बहुत आसानी से फ्लो होगा, और सेमी कंडक्टर में हो जाएगा, और यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। अभी हमने बहुत डेप्थ में देखना है, इनकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है।